वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम टोमेटो का प्लांट ग्रो कैसे करें। पहले आपको उसके लिए लेना है एक फुल्ली अच्छा हेल्दी टोमेटो का प्लांट। फिर जैसे आप इस प्लांट को लेते हो, आपको उसे ऐसे स्लाइस में करना है। मैं अभी फिलहाल के लिए एक स्लाइस ले रहा हूँ टोमेटो का। अगर आपका पॉट बड़ा होगा तो आप कितने भी ले सकते हो। सो मे बी आप देख सकते हो, आप ये देखो, यहाँ पर सीड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सीड्स अभी ये जो है इसको मैं इसके अंदर प्लांट करूँगा। ये हमारा प्लांट हो गया है यहाँ पर। अभी हमें इसको ढकने के लिए इसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा सॉइल डालनी पड़ेगी। और सॉइल डालेंगे हम, मतलब ये टोमेटो का जो है वो पूरा कवर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा कवर हो चुका है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। और मुझे ना प्लांटिंग की पता नहीं क्यों मुझे अभी बहुत मज़ा आता है प्लांटिंग में, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। तो फिर अभी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है। और गाइस जो भी आप भी आपके बच्चों को या फिर कोई भी रहेगा रिश्तेदारों को, उनको या फिर आपके पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि कैसे ग्रो करना है, तो आपको या फिर उन्हें भी थोड़ी अचीवमेंट जैसा फील होगा कि वाह मैंने ये किया है, मेरी मेहनत है, उससे ये हुआ है। तो ये अभी ऐसा पूरा ढक जाएगा ना, तो तभी इसको अभी थोड़ा वाटर करना है। आपको हर रोज ऑलमोस्ट इतना पानी उसको वाटर करना है, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद ये उग जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 5-6 डेज के बाद इसकी ग्रोथ होने लगेगी, उसके सीड्स स्प्राउट होंगे। और जो बाकी का जो टोमेटो था आप सोच रहे होंगे वो क्यों है, वो एज ए डिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट बन जाता है। तो अभी मैं ये उगाने के बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था ये 2-3 दिन में स्प्राउट होने लगेंगे, और अगर ये 2-3 दिन में स्प्राउट नहीं हो रहे हैं तो मतलब ये कुछ प्रॉब्लम है। मतलब उनको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन लगेगी तो वो 3-4 दिन में हो जाएंगे। ये देखो प्रॉपरली कितना आसानी से ईजीली स्प्राउट हो गए, 2-3 दिन में इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरे तो 2-3 दिन में इतने बड़े हो गए। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।